हरियाणा में 2024 के चुनाव से पहले रैलियों की रेलम पेल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और पानीपत की रैली के बाद अब जनवरी महीने के अंत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से करनाल में एक बड़ी रैली रखी गई है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। रैली को लेकर प्रदेश स्तर पर भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस रैली से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन भी करेंगे। इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों से केंद्रीय मंत्री अलग से बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री के हरियाणा में रैली और पदाधिकारियों व सांसदों के साथ बैठक करने का मकसद 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। हरियाणा में मई 2024 में लोकसभा के जबकि अक्टूबर 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनावों को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2023 एक तरह से चुनाव से पहले चुनाव की तैयारियों वाला वर्ष है। गौरतलब है कि हरियाणा में इन दिनों सर्दी के मौसम में भी सियासी गर्माहट बरकरार है। तमाम राजनीतिक दलों की सक्रियता की वजह से राजनीतिक पारा लगातार ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने पिछले साल 25 सितंबर को फतेहाबाद में एक बड़ी रैली की थी। इसके बाद जननायक जनता पार्टी ने 9 दिसंबर को अपनी स्थापना दिवस पर रैली कर अपनी ताकत का एहसास करवाया था। इसी तरह से 6 जनवरी को कांग्रेस ने पानीपत में एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया। इस रैली में राहुल गांधी भी पहुँचे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी 2 चरणों में हरियाणा में रही। राहुल गांधी ने लगभग 2 चरणों में 9 दिनों में 255 किलोमीटर यात्रा निकाली और प्रदेश के 7 जिलों को कवर किया। इस यात्रा के बाद हरियाणा की राजनीतिक फिजा बदलती हुई नजर आई तो अब एकाएक भारतीय जनता पार्टी ने भी जनवरी में एक बड़ी रैली रख दी है। करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी निर्वाचन क्षेत्र है। 2014 और 2019 में मनोहर लाल खट्टर करनाल से ही विधायक चुने गए थे। ऐसे में करनाल जो GT बेल्ट का एक हिस्सा है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनावों की रणनीति तैयार करने में अभी से जुट गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में हरियाणा में आना था, लेकिन हरियाणा में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव और आदमपुर चुनाव होने के चलते आचार संहिता लगी हुई थी। ऐसे में शाह किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते थे। उल्लेखनीय है कि राणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पहली बार अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। उस समय भाजपा ने जननायक जनता पार्टी और आजाद विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पिछले लगभग 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ी रैली हरियाणा में करने जा रही है। वहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी सक्रिय नजर आएंगे। भाजपा में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की ओर से भी 25 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर जींद में एक राज्य स्तरीय रैली रखी गई है। तो वहीं 20 फरवरी से इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। अभय की यह पदयात्रा 25 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। उधर कांग्रेस नेता और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के चलते सक्रिय नजर आएंगे। वहीं राहुल गांधी की यात्रा में भगदड़ के चलते घायल हो चुकी किरण चौधरी भी अगले महीने से किरण आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे।